एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक ठाक ही होंगे। सो गाइस, आप गेस तो कर रहे होंगे कि आज हमने नए जो ड्रेस करनी है तो हम कहीं जा रहे हैं। सो हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो वीडियो में बने रहे, सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम तैयार हो चुके हैं और घर से जा रहे हैं। सो यहाँ से जा रहे हैं, आधे लोग आगे जा रहे हैं, मम्मी वगैरह, और मैं यहाँ से चलती हूँ। और यहाँ पे निकाल दे ये दांतुन जो... तो गाइस यहाँ पे चाची चढ़ी है पेड़ के ऊपर, जाके आड़ू को निकालने जा रहे हैं यहाँ की। तो गाइस यहाँ पे पहुंच चुके हैं अपने गांव में। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो मिडिल स्कूल है, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल, और यहाँ से आप देख सकते हैं। सो गाइस मैं आपको बता दूँ कि हम मतलब इतने प्यार होके कहाँ जा रहे हैं। सो गाइस हम जा रहे हैं आज अपने इष्ट देवता जयदेव पाशा कोट जी के मंदिर में, जहाँ पे उनका जो मूल निवास स्थान है वहाँ पे। सो अभी जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ, मम्मी जा रहे हैं, चाची जा रहे हैं, और मेरी बहन जा रही है। और मैं पैदल जाना पड़ेगा, जो आपको वहाँ पे जो घर दिख रहे हैं, मतलब इसके दूसरे साइड जाना पड़ेगा। तो अभी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों ने कितनी सारी जो मूली लगाई है, मतलब काफ़ी नीचे तक है। यहाँ पे काफ़ी खेत हैं मूली के, जो कि हमें रास्ते में आते टाइम मिल गए। तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना सुंदर व्यू है, चारों तरफ इतना सुंदर है कि मतलब काफ़ी अमेजिंग है। और इस साइड भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे लोगों ने मक्का लगाए हैं, प्लस मूली लगाई हैं, और भी काफ़ी चीज़ें लगाई है यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप ये जो घर टाइप का बनाया है, यहाँ पे जैसे मतलब बंदर वगैरह आते हैं तो डॉगी वगैरह को यहाँ रखते हैं, ताकि वो मतलब फसल की देखभाल कर सके और बंदरों से मतलब बचाए रखे जो फसल लगाई है लोगों ने यहाँ पे। सो देख सकते हैं आप, व्यू भी देख सकते हैं कितना सुंदर हो रखा है, और काफ़ी ऑसम चारों तरफ देख सकते हैं आप लोग, चारों तरफ का नज़ारे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक छोटा सा नाला है जो कि कितना खूबसूरत है, और पानी का इतना संत में कितनी बड़ी खीरा मिली है, जो कि मम्मी को मिली है यहाँ पे। सो इतनी बड़ी देख सकते हैं आप कि इसको अगर पूरा महीना भी खाएंगे तो ख़त्म नहीं होगी ये। सो गाइस अब जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इस पॉइंट में पहुँचना है, तो उस पॉइंट में पहुँच चुके हैं। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहले हम उस पॉइंट में थे, वहाँ देखे जो कि मेरा गांव है, और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और इतने थक चुके हैं ना, तो आप देख सकते हो कि पसीना इतना पड़ा है बॉडी में कि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। सो अभी यहाँ से रहा शायद आधा किलोमीटर रहा अभी चलने को। अब यहाँ से तो प्ले तो ही देख सकते हैं, तो रेस्ट करने बैठे हुए हैं आधे लोग यहाँ पे, मैं यहाँ बैठी हूँ। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी लैंडस्लाइड
हुई है ऊपर से, तो यहाँ से अब हम कैसे निकलेंगे, पता नहीं कैसे निकलेंगे, मम्मी वगैरह चाची वगैरह। तो गाइस यहाँ से जा रहे हैं, अब कैसे निकलेंगे, तो आप देख सकते हैं कि कितना खतरनाक है, बट क्या जाना तो पड़ेगा यहाँ से। मुश्किल है, शिवानी आराम से आना, शिवानी देख सकते हैं आप पीछे, अब कहाँ से जाना, नीचे को फोन ही गिर गया था। तो गाइस देख सकते हो ऊपर से आया ये, काफी ऊपर से आया पता नहीं। और गाइस अब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, सो आप देख सकते हैं पीछे की जो वहाँ पे दिख रहा है गांव, वहाँ पे है मंदिर, जो मैंने बताया था जयदेव पशापुर जी का, सो अभी तो चढ़ाई बची है काफ़ी सारी है चढ़ने को, सो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। गाइस फाइनली अब हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, तो आप देख सकते हैं जयदेव पशुपति का मंदिर। गाइस जो जहां पे ये मंदिर है पशुपति का, इस गांव का नाम है मणिबजगान, तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है।